नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। दशहरे का त्योहार सामने है और दुर्गा प्रतिमा बनाने का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन दुर्गा प्रतिमा को ले जाने से पुलिस मना कर रही है, जिसके चलते मूर्तिकार परेशान हैं। सोमवार को दर्जनों की संख्या में जनपद आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली के लाघाट के मूर्तिकारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर समस्या का निदान करने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मूर्तिकारों का कहना है कि उन्होंने दुर्गा प्रतिमाओं के बनाने का ऑर्डर लिया है। प्रतिमाओं को बनाने में आने वाली सामग्री को उन्होंने कर्ज लेकर प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा का ऑर्डर देने वाले लोग जब प्रतिमा लेने पहुंच रहे हैं तो पुलिस प्रतिमा को जाने नहीं दे रही है। अगर उनकी प्रतिमा ही नहीं गई तो भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। सर, मामला ये है कि हम मूर्ति कलाकार लोग हैं पूरे आजमगढ़ जिले से, तो हमको लॉकडाउन की वजह से हम लोग मूर्ति बना नहीं रहते। कुछ 3 महीना पहले हम लोग को आदेश आया शासन से कि मूर्ति बनाने वाले को कोई पाबंदी नहीं है, तो हम लोग ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया। जब हमारी पूरी मूर्ति कई लोगों से कर्ज लेके हम लोग ने मूर्ति बना दिया और मूर्ति उठने का 4-5 दिन बाकी है और प्रशासन हमको मूर्ति रोक रही है। हम लोग कई लोगों से कर्ज ले लेके मूर्ति बनाए। हमारे नीचे दो तीन कारीगर हैं, उन लोग का परिवार हम लोग की वजह से चलता है और हमारा भी परिवार उसी से चलता है। जो साल भर हम लोग बनाते हैं मूर्ति, 1 महीने में बेचते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है सर। तो हम लोग ने कई लोगों से कर्ज लेके मूर्ति बनाया और प्रशासन हमको अब 4 दिन बाकी है मूर्ति उठने की, तो प्रशासन हमको मना कर रही है कि मूर्ति नहीं उठेगी, ना बनाने के लिए पाबंदी कर रही है मूर्ति के लिए। क्या डीएम साहब से मिले हैं? डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब बोले हैं कि जो सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा और अदरवाइज जिले में, मऊ में और गोरखपुर जिले में मूर्ति बनाने की कोई पाबंदी नहीं है। तो हम लोग वहाँ जाके पूछ के आए हैं, सिर्फ आजमगढ़ जिले में ही पाबंदी है मूर्ति बनाने और उठने के लिए। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं सर कि हर चीज प्रॉपर है, किसी को ना हमको तकलीफ हो ना हम जनता को, हमारी कोई सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हमारी ऐसी हालत हो जाएगी भूखमरी पे और हमारे नीचे जो 6-7 परिवार के कारीगर लोग काम करते हैं उन लोगों की भूखमरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे वजह से उन लोग का परिवार चलता है और हम लोगों ने कई लोगों से कर्ज लेके परिवार चला रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।